आपसे पूछ रहा है कि आप कब वापस जाना चाहती है। बस अब वो मौका आ गया है, नहीं तो इनकी टिकट करा दो, अब एक दिन भी यहाँ नहीं रहेगी ये। बस इस घर में एक और दिन आदर और सत्कार नहीं होगा इनका। अब प्लीज वापस जाइए, प्लीज प्लीज जाइए, टिकट करा दो। नित्या देखा भाई आपने, देखा आपने, आपकी प्यारी वेदिका बहू कैसे सबके सामने हमारे बेइज्जती करके चली गई। हमें हमें हमारे मैके से ही जाने का हुक्म सुना कर चली गई। आज तुम सही नहीं हो कुमुद। अंदर से तो तुम बहुत खुश हो ना कि तुम्हारे ये दोनों अनमोल रत्न हमारे खिलाफ हो गए हैं और हमारे से सवाल कर रहे हैं, हमारे से जबान बना रहे हैं, हमें हमें दुश्मन समझते हैं अपना। इन दोनों में जो अंतर था आज खत्म हो गया ना। अब दोनों भाइयों में कोई अंतर नहीं है गोदम जी। तुम एक खोटे सिक्के हो रक्षक, तुम एक खोटे सिक्के हो जो चल पड़े हो लेकिन हमारे सामने खड़े नहीं हो पाओगे। अपने छोटे भाई की कमाई खा रहे हो, बैठे हो जिंदगी भर ऐशो आराम कर रहे हो। दादी जी रक्षक मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, घर में कुछ भी करे, वो ऑफिस जाए या ना जाए, वो कमाए या ना कमाए, चाहे मेरा कमाया सारे अपने नाम का, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए सच नहीं जानता जी, प्लीज प्लीज बस कीजिए प्लीज। एक मिनट, ये यार सीन ये चल रहा है अभी, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सब पंगा हुआ है डिम्पी को वापस लाने के चक्कर में, डिम्पी की देखभाल करने के चक्कर में, तो जो मेरा वेट है लॉयल्टीज़ का वो इट हैज़ शिफ्टेड टूवर्ड्स डिम्पी। और अभी जो सावी है वो डिम्पी को एक हेल्थ चेकअप का बोलकर उसको लेकर गई है, लेकिन जो उसका एक्चुअल मोटिव था वो कुछ और था। और बुआ दादी जी के साथ मिलकर वो लोग ये जानना चाह रहे थे कि जो डिम्पी के पेट में जो बच्चा है वो वाकई में मेरा है या डिम्पी इसको मेरे सर पे थोप रही है, क्योंकि डिम्पी को घर से निकले अगर हम देखें तो कुछ 7-8 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। तो दे जस्ट वॉन्टेड टू बी श्योर कि ये बच्चा आखिरकार है किसका। और मैं उस बात पे बहुत ज़्यादा भड़क जाता हूँ कि जब मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये मेरा बच्चा है, तो तुम लोग कौन होते हो इस चीज़ पर क्वेश्चन करने वाले कि ये बच्चा मेरा है या नहीं है। तो अभी हम लोग बस वही शूट कर रहे थे, ये हमारा ये हम लोग ये एक्चुअली दोनों के दोनों हॉट टॉपिक हैं और जो दोनों टॉपिक्स हैं दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो बुआ दादी ने मिर्ची ऐसी लगाई कि वो सीन हमारे मेरे मुद्दे से मेरी पटरी से हटकर तो रक्षम की पटरी और नित्यम की पटरी पे शिफ्ट हो गया। तो ये अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, हम दो दो युद्ध एक साथ लड़ रहे हैं। फैंस को मैं यही यार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे शो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। आप अभी इनकी फुटेज में देख ही लेंगे कि कितना ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा गर्मी में सूट वूट पहन के शूट करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि शो का जो टेलीकास्ट का टाइम है आप उस पर उसको देखिए, ताकि हम लोग आपको इसी तरीके से एंटरटेन करते रहें और खुश रहिए यार। बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थैंक यू।